दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं अपडेट के बारे में डिटेल से। दोस्तों, एक न्यूज लगाई गई है और शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ उस न्यूज के बारे में। होमगार्ड को इसी माह मिलेगा बकाया वेतन। एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर होमगार्ड भाई अपने बकाए वेतन को लेकर काफी परेशान थे। उनका पैसा उनको नहीं मिल पा रहा था, उसी से संबंधित ये अपडेट है। लिखा हुआ है, जिले के विभिन्न थानों में तैनात 540 होमगार्ड जवानों का 5 माह का बकाया वेतन इस माह जारी किया जाएगा। शुक्रवार को शासन ने होमगार्ड विभाग के बजट से वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान की। पुलिस के बजट से ड्यूटी करने वाले जवानों को फरवरी से जून माह तक का वेतन नहीं मिल पाया था, जबकि उनके तमाम साथी जो होमगार्ड विभाग के बजट से ड्यूटी कर रहे थे उनका भुगतान समय पर हो गया। जिला कमांडेंट चंद्रमोहन मिश्र ने बताया कि अब बकाया वेतन होमगार्ड विभाग के बजट से करने के आदेश हैं। जिले को बजट जारी होते ही खातों में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, तो आपका वेतन इसी महीने आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। चलिए आदेश के बारे में भी जान लेते हैं। आदेश की कॉपी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में पूरा डिटेल से देख सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखा पाऊं इस आदेश में क्या लिखा हुआ है। आदेश में लिखा है, प्रेक्षक अनिल कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महा समादेष्टा होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 4 सितंबर 2020, होमगार्ड अनुभाग। विषय दिया हुआ, पुलिस विभाग में भुगतान के आधार पर नियोजित 25,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ता भुगतान के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक अपने पत्र संज्ञा आप दी है, दिनांक 27 जुलाई 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नंबर 2 पर दिया हुआ, इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के जनपदों में पुलिस विभाग के बजट से भुगतान के आधार पर माह नवंबर 2017 से दिनांक 30/6/2020 तक तैनात होमगार्ड स्वयंसेवकों के लंबित ड्यूटी भत्ते, पुरानी देनदारी, कुल धनराशि ₹2,23,83,75,340 का भुगतान होमगार्ड विभाग के बजट से किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस बकाये की धनराशि को होमगार्ड के खातों में अंतरित करने से पूर्व सभी जिला कमांडेंट होमगार्ड शासनादेश संख्या यहाँ पर दी हुई है, दिनांक 3 जनवरी 2020 में विहित प्रक्रिया के अनुरूप बकाये की धनराशि के त्रुटि रहित होना भी सुनिश्चित कर लेंगे। भावधी अनिल कुमार, अपर मुख्य सचिव। दोस्तों, यहाँ पर जितना भी पैसा आपका रुका हुआ था, अगर आप पुलिस विभाग में ड्यूटी कर रहे थे और आपका पैसा रुका हुआ है, चाहे वो कोई सा भी पैसा हो, वो आपको पैसा अब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर होमगार्ड्स को थोड़ी सहूलियत हो चुकी है। एरियर का भी इंतजार आपको बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि आपका एरिया दीपावली पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि एरियर की प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए आप लोगों को कितने महीने से वेतन नहीं मिला। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपनी जगह का नाम लिख दीजिए और ये लिखिए कि आपको कितने महीने से वेतन नहीं मिला। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।